फॉर्मा एंड फ्रेंच थ्री फैक्टर मॉडल हमने अपनी डिस्कशन कैपिटल एसड प्राइसिंग मॉडल के ऊपर डिटेल में की जिसके अंदर हमने उसके कंपोनेंट्स को देखा सिक्योरिटी मार्केट लाइन की इक्वेशन को देखा और ये देखा कि कैसे कैपिटल एसड प्राइसिंग मॉडल हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करने में मदद देता है जैसा हमने शुरू में जिक्र किया कि कैपम इजन ओल्ड मॉडल And over the period of time, other researchers have come up with uh, better versions, or you can say better explanations of the expected return. Pharma and French's three factor model is again a continuation of the CAPM model, where these two scientists added two more factors in the equation. और उन्होंने कहा कि अगर इन दोनों फैक्टर्स को शामिल कर लिया जाए तो हमारे रिटर्न की बेटर एक्सप्लेनेशन होती है यानी हम ज्यादा बेहतर तरीके से अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट टू रिमाइंड यू दैट इन केपम वी ओनली हैव गॉट वन फैक्टर विच एफेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड दैट इज मार्केट रिस्क प्रीमियम जिसको हमने आर एम माइनस आर एफ से कंसिडर किया था और हमने ये कहा था कि यही वो वाद फैक्टर है जो कि हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न को डिटर्मिन करता है फार्मा एंड फ्रेंच ने अपनी रिसर्च के जरिए से ये साबित किया कि इसके अलावा दो फैक्टर्स और भी हैं कि जो हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न को अफेक्ट करते हैं और उन्होंने इनको साइज और वैल्यू का नाम दिया सो इन दिस थ्री फैक्टर मॉडल वी हैव गॉट मार्केट रिस्क वी हैव गॉट साइज रिस्क एंड वी हैव गॉट वैल्यू रिस्क ये देखते हैं कि ये साइज और वैल्यू रिस्क क्या है मगर उससे पहले मार्केट रिस्क मार्केट रिस्क जिसको हम बीटा से मेजर करते हैं एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम जिसको कि हम आर माइनस आर एफ के जरिए से शो करते हैं और सेकेंड कंपोनेंट्स जो फार्मा एंड फ्रेंच ने अपनी इक्वेशन के अंदर ऐड किया दैट इज द साइज फैक्टर उन्होंने ये देखा रिसर्च के जरिए से कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं स्मॉल कैप कम मतलब ये है कि वो कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ी है मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अ टर्म विच इज यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ अ स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स यानी अगर किसी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स को हम उसकी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन का नाम देते हैं तो स्मॉल कैपिटलाइजेशन या स्मॉल कैप कंपनीज वो हुई जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ी है एंड लार्ज और बिग कैपिटलाइजेशन और बिग कैप कंपनीज वो हुई जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है उन्होंने ये देखा कि स्मॉल कैप कंपनीज बिग कैप कंपनीज से बेहतर परफॉर्म करती हैं और उन्होंने एक वेरिएबल uh, क्रिएट किया जिसका नाम उन्होंने स्मॉल माइनस बिग यानी स्मॉल कैप कंपनीज माइनस बिग कैप कंपनीज रखा और उसे साइज फैक्टर का नाम दिया यानी कंपनी का साइज रिटर्न पर इफेक्ट करता है सो दे कंसिडर इट एज अ वेरिएबल इन एडिशन टू द मार्केट रिस्क प्रीमियम द थर्ड फैक्टर दैट दे कंसिडर्ड वॉज द वैल्यू फैक्टर वैल्यू से मुराद मार्केट वैल्यू नहीं है uh, या बुक वैल्यू नहीं है बल्कि बुक टू मार्केट वैल्यू की एक रेशो है अगर किसी स्टॉक की बुक टू मार्केट वैल्यू की रेशो ज्यादा होगी तो हम कहेंगे कि ये ज्यादा वैल्यू वाला स्टॉक है बुक टू मार्केट वैल्यू का मतलब यह है कि अगर बुक वैल्यू को उस स्टॉक की मार्केट वैल्यू यानी प्राइस से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास एक आंसर एक वैल्यू आ जाएगी विच मे बी इक्वल टू वन मोर देन वन और लेस देन वन फार्मा एंड फ्रेंच ने यह देखा जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है बुक टू मार्केट वैल्यू उसका रिटर्न भी ज्यादा होता है एंड दिस इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स द रिटर्न सो उन्होंने ऐसे स्टॉक्स को जिनकी बुक टू मार्केट वैल्यू हाई है उन्हें हाई वैल्यू स्टॉक्स डिटर्मिन किया और जिनकी वैल्यू कम है उन्हें लो वैल्यू स्टॉक्स कहा और एक नया वेरिएबल क्रिएट किया विच इज द वैल्यू वेरिएबल एंड विच इज कैलकुलेटेड बाई सैक्टिंग द रिटर्न ऑफ लो वैल्यू स्टॉक्स फ्राम हाई वैल्यू स्टॉक्स एंड फार्मा एंड फ्रेंच केम अपवेशन विच इज द थ्री फैक्टर मॉडल इक्वेशन ऑफ फार्मा एंड फ्रेंच अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो ये भी रिग्रेशन इक्वेशन है जैसे कि हमने कहा था कि कैपम uh, की इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है उसी से मिलती जुलती ये इक्वेशन हमारे पास मौजूद है लेकिन इसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है यानी रिस्क प्रीमियम जो कैपम के अंदर वाहिद इंडिपेंडेंट वेरिएबल था हमारे पास उसके साथ साथ दो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी मौजूद हैं जो कि साइज और वैल्यू है यहाँ पर यह भी इम्पॉर्टेंट है कि हम इस इक्वेशन और इसके ज़रिए से रिटर्न की कैलकुलेशन को एक दफ़ा फिर अपने जहन में ताज़ा कर लें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो इक्वेशन की राइट right साइड पे लिखे जाते हैं ये लेफ्ट साइड पर लिखे जाने वाले वेरिएबल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं और ऐसी इक्वेशन को हम रिग्रेशन इक्वेशन का नाम देते हैं यानी हमारे पास रिटर्न एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड करता है मार्केट रिस्क प्रीमियम साइज और वैल्यू के ऊपर अकॉर्डिंग टू फार्मा एंड फ्रेंच थ्री फैक्टर मॉडल सो इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ साइज एंड वैल्यू एंड रिस्क प्रीमियम आर एक्सपेक्टेड रिटर्न विल बी अल्टर्ड और चेंज सो इस इक्वेशन के अंदर हम अगर देखें तो हमारे पास बीटा की तीन वैल्यूज हैं हमने कैपम के इक्वेशन के अंदर देखा था कि हमारे पास सिर्फ एक ही बीटा की वैल्यू होती थी क्योंकि हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था दैट वाज मार्केट रिस्क बट इन थ्री फैक्टर मॉडल बिकॉज वी हैव गॉट थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और थ्री फैक्टर्स सो वी नीड टू हैव थ्री बीटा वैल्यूज एंड वी सिंपली डिफ्रेंशिएट दैम बाय कॉलिंग दैम बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री यानी बीटा वन जो है वो हमारे रिस्क प्रीमियम को एडजस्ट करेगा बीटा टू जो है वो हमारे साइज के फैक्टर के वेरिएबल को एडजस्ट करेगा और बीटा थ्री जो है वो हमारे वैल्यू के वेरिएबल को एडजस्ट करेगा सो फार्मा एंड फ्रेंच के थ्री फैक्टर मॉडल की डिस्कशन को हम uh, इस तरह समेट सकते हैं कि फार्मा एंड फ्रेंच ने कैपम के मुकाबले में एक्सपेक्टेड uh, रिटर्न को कैलकुलेट करने की या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करने की एक बेहतर इक्वेशन एक बेहतर मॉडल पेश किया जिसके अंदर उन्होंने दो और फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करके ये कहा कि हमारे रिटर्न के अंदर होने वाली तब्दीली को सिर्फ और सिर्फ मार्केट रिस्क प्रीमियम ही इफेक्ट नहीं करता बल्कि साइज और वैल्यू भी अफेक्ट करते हैं फार्मा एंड फ्रेंच के थ्री फैक्टर मॉडल की डिस्कशन यहाँ पर ख़त्म नहीं हो गई इससे आगे चल के और रिसर्चर्स ने इसके अंदर और फैक्टर्स को भी इंक्लूड किया यानी हम इसके बाद फोर फैक्टर मॉडल देखते हैं और फिर मल्टी फैक्टर मॉडल्स देखते हैं जिनकी डिस्कशन हम आगे चल के अगले मॉड्यूल्स में करेंगे